प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनको बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। हर कोई उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई देने में लगा है। प्रधानमंत्री की लंबी आयु की चाह में सामाजिक परोपकार के काम भी खूब किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिमला के रिपन अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीबों को बिना भ्रष्टाचार के सीधे योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया है। आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनको लंबी आयु और अच्छे हेल्थ प्रदान करें। गरीब को बिना एक नया पैसा के करप्शन गरीब को डायरेक्टली कुछ स्कीम्स पहुंचाए है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं उन्हें मध्य प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई है। हर हुनरमंद व्यक्ति को जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है उसको ऋण मिलेगा, इससे निश्चित रूप से उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड से स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देश को अनेकों उपलब्धियां दी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेकों अनेक उपलब्धियां हम सबको दी है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान पहचान हर दिशा में बढ़ी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है, उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। इसका प्रयास, इस योजना के अहम हिस्से हैं और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कार्यकर्ताओं की जिंदगी बदलेगी। भाजपा प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन शामिल है। इसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो वहीं रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने किया। वहीं दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश भिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण किया।